40 साल से रह रहे लोगों के आने जाने के रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे कर सड़क बंद कर दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित मोहल्लेवासी मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने लगे। यह घटना रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित दीप नगर कॉलोनी की है, जहां कुछ दिनों पहले जमीन मालिक द्वारा आने जाने के मार्ग पर ही गड्ढा कर आवागमन रोकने का प्रयास किया गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि दीप नगर कॉलोनी में आने जाने का यही मात्र मार्ग है, इसे भी बंद करने की साजिश की जा रही है। लोगों ने बताया कि जमीन के वास्तविक मालिक ने 1995 में ही 40,000 रुपए में यह स्थान सड़क के लिए दी थी, जिसका एग्रीमेंट भी है, लेकिन अब उनके वंशज नहीं मान रहे हैं। हम लोग को सर रोड का दिक्कत हो रहा है, बार बार आके गड्ढा कर देता है। हम लोग इसका पैसा सब पहले ले चुका है, आपका लोग हम लोग को बार बार गड्ढा फिर पैसा बार बार मांगता, हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब आदमी इतना आदमी बस गए हैं, यही करना रहता तो और पहले गड्ढा कर देता, कोई नहीं बसता यही करता। मैदान खुला है, यहाँ भीड़ शाम को देखिएगा तो दारू शराब लड़का लोग बैठता है, सबको आने जाने की दिक्कत होता है, उससे गाली गलौज दे देता है और ये बार बार रोड के लिए गड्ढा कर देता है पैसा के चलते। कितना बार हम लोग पैसा देंगे? गरीब आदमी है सब, यहाँ आदमी इतना बस गया है। रोड के लिए जगह निकला हुआ है पहले से, रोड के लिए इसमें पैसा ले चुका, रोड का जमीन का पैसा ले चुका है, फिर बार परेशान कर रहा है। कौन है वो जो शख्स परेशान कर रहा है? वो जिस रोशन उराव। और अभी हम लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे थे तो बोल रहा था भीड़ लगा रहे हैं, एक घंटा में अभी हम बताते हैं, ऐसा बोला है, धमकी दे रहा था। हम लोग यहाँ 40 साल हो गया है। कितना परिवार है, कितना घर है यहाँ पे? यहाँ कितना 300 घर है सर, 300 घर है। हाँ, डीए से 5 लाख है, जो मेन रोड काला रोड जो है वहाँ से सर्वे करके 1997 पास कराया गया, के बाद भी ये रोड फोड़ दिया जा रहा है, सड़क निर्माण के लिए दिया गया है, बदले में एग्रीमेंट है जिसका 40,000 रुपए दर से तय हुआ था, 4 कट्ठा जमीन, 4 कट्ठा 16 वर्ग फीट, जिसका पैसा 40,000 ले चुका है, 35,000 रुपए 1994 में। अब ये चीज उनको बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम ये सब नहीं जानते, कागज पत्र के नहीं जानते। पैसा कौन लिया है? कौन लिया वो कुछ नहीं जानते, उनके पिताजी पैसा लिए थे। पेपर आप लोग के पास है? पर 3 साल से जो रोड रोका रहा है, परेशान कर रहा है, जब कर रहा है तो अथी में भदवा कादो में कर रहा है, अभी शादी ब्याह है कैसे गाड़ी जाएगा सो बता दीजिए। मैंने काटने का कोई निर्णय हुआ, मुखिया कहा, बड़ा बाबू कल जबकि बोले कि ऐसा करिए रोशन की आप रोड भर दीजिए, तो नहीं भरा रोड, नहीं भरेगा तो आप लोग के सामने हम लोग भर देंगे, जो हम लोग की दिक्कत होगा, शादी भी हो रहा है, बच्चा जा रहा है स्कूल जा रहा है, गाड़ी लेके जाएगा, नहीं नहीं तो हम लोग भरेंगे। उसको बोला गया था तो भर देता अपने। इलाके में करीब 365 मकान है, यदि रास्ता बंद किया गया तो सभी प्रभावित होंगे। मामला बढ़ता देख पंडरा ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। ये लोग का आदिवासी समाज के लोग कुछ है, उनका कहना है कि जमीन उनका अपना है, पुश्तैनी जमीन है, जिसको लेकर के लोग अपना घेराबंदी करने के लिए नींव खोड़े थे, लेकिन इन्हीं लोग रास्ता से होके पीछे करीब 300 परिवार लोग बसे हुए हैं और एकमात्र यही रास्ता है जो कि इन्हीं थ्रू लोग आपस में घर जाते हैं, जिसको लेकर वो लोग विरोध कर रहे थे, रोड पर भी उतरे थे। अभी फिलहाल दोनों पक्षों को समझा दिया गया है और समझा कर जो भी गड्ढा रास्ते में जो पड़ रहा है उसको भरवाया जा रहा है ताकि किसी का रास्ता बंद नहीं हो। और आगे की बैठक के लिए दोनों पक्षों को 29 तारीख को ये लोग निर्धारित किए हैं, 29 तारीख को दोनों पक्ष बैठ कर इस विषय में ये लोग अपना निर्णय लेंगे। हाँ, इन लोगों का कहना है कि इस ज़मीन का जो भी रास्ता में जा रहा है इनका ज़मीन, उसका पैसा लोग 94 में दिया है, लेकिन वो अगला पक्ष इस बात को नहीं मान रहा है। इसको लेकर 29 तारीख को फिर बैठक के लोग किया है, 29 तारीख को देखिए जो निर्णय होता है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।